गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10th के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। लेंसेज हमने स्टार्ट किया था इससे पहले वाले लेक्चर में ना, जब मैंने लेंसेज पढ़ाना स्टार्ट किया था तो लेंसेज के बारे में कुछ बेसिक डेफिनेशन बताया था, मतलब मेजरली कुछ नया नहीं बताया था। हाँ, एक साइन कन्वेंशन तुमको ज़रूर बताया था। साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन जैसा मैंने बताया है वैसा ही याद रखना। साइन कन्वेंशन में क्या बताए थे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। देखो, सबसे पहला पॉइंट तो याद रखना है कि जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वो रेफरेंस पॉइंट है। ऑप्टिकल सेंटर रेफरेंस पॉइंट है। अगर मैं इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाकर कोई भी डिस्टेंस मेजर करूंगा तो वो पॉजिटिव लेना है, और अगर मैं इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जाकर कोई भी डिस्टेंस मेजर करूंगा तो वो डिस्टेंस मुझे नेगेटिव लेना है। किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए रेफरेंस पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर माना था। कोई भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर है तो वो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे है तो वो क्या है, नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, फिर डेफिनेशंस क्या क्या थे, तो सबसे पहले हमने बताया था कि जो लेंस है, लेंस में अगर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बात करूँ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेंसेज को स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से काट के बनाया था, तो जिस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट से काट के लेंस को बनाया गया था उसका जो भी रेडियस होगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है। जिस स्फेरिकल स्ट्रक्चर से काट कर लेंस बनाया गया है उसका जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑप्टिकल सेंटर जो होगा वो लेंस का ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया। इमेजिनरी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट था, कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्रैक्शन के बाद या तो फोकस से पास करेगा या फोकस से पास होता हुआ अपीयर होगा। अगर वो फोकस से एक्चुअल में पास करेगा तो रियल फोकस कॉन्वेक्स लेंस, और अगर वो फोकस से अपीयर होता हुआ दिखेगा कि वो फोकस से पास हो रहा है ऐसा अपीयर होता हुआ दिखेगा तो वो क्या हो गया, वर्चुअल फोकस हो गया। तो रियल फोकस और वर्चुअल फोकस कॉनवेक्स, जब भी कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास आएगा तो उस केस में रियल फोकस आएगा, और कॉनकेव लेंस जब हमारे पास आता है तो उस केस में आएगा वर्चुअल फोकस। ठीक है। फिर और एक बात याद क्या रखना है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या बोला था, फोकल लेंथ। आज अपने को बात करना है इमेज फॉर्मेशन, तो इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ रेज देख लेते हैं जो हम यूज करने वाले हैं। अभी कोई नया नहीं होगा, ये सब तुमने पहले पढ़ा भी है। हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेज जो हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या करना है, यूज करना है। तो टाइप्स ऑफ रेज में सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मान लो, अच्छा हमारे सिलेबस में जो भी है ना वो थिन लेंसेज के लिए, हम थिक लेंसेज के बारे में नहीं पढ़ते। थिक लेंसेज में रिफ्रैक्शन होगा खतरनाक सा, तो प्रॉब्लम होता है। इस तरह से, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। पहला टाइप का रे क्या ले रहे हैं, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्रैक्शन के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को ही क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ये पहला टाइप का रे हो गया। अच्छा, फिर अगर ये हमारे पास ये कौन सा लेंस था, ये हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। अगर डाइवर्जिंग लेंस होता, इस तरह का अगर डाइवर्जिंग लेंस होता और हमने एक रे भेजा होता पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्जिंग लेंस के केस में क्या होता है, रेज जो होते हैं वो लेंस से डाइवर्ज होके दूर तरफ चले जाते हैं, ऐसे ऐसे कुछ मूव करके बाहर जाते हैं। अब ये जो रे है वो ऐसा लगता कि वो यहां कहीं से प्रोड्यूस होके आ रहे, मतलब जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यहां पे जो ऑब्जर्वर है उसको ऐसा लगता है, ये काली आंखों वाला जो ऑब्जर्वर है ये काली आंखों वाला जो ऑब्जर्वर था उसको ऐसा लगता कि ये जो रे है वो यहां कहीं से आ रहा है। तो ये रियल फोकस था, ये कैसा फोकस है, वर्चुअल फोकस। कन्वर्जिंग लेंस में ऐसा रे याद रखेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को कट करके पास करेगा। डाइवर्जिंग लेंस में याद क्या रखना है,
डाइवर्जिंग लेंस में याद रखेंगे कि वो अपियर होगा प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता हुआ, लेकिन वो क्या कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रहा है। तो पहले दो टाइप के रे अपने को इस तरह के यूज करना है। फिर ये सब नोट करते जाना, बहुत सारे डायग्राम आएंगे तो सारे डायग्राम्स आपको क्या करना है, नोट करते जाना है। जितने डायग्राम से बनाता जाऊंगा डायग्राम्स आप नोट करते जाना। पानी पानी हो गया यार। पानी पानी होना जरूरी है, मतलब आज डायग्राम बना रहे हैं ना तो उसके लिए ये स्क्रीन जो है वो साफ साफ चाहिए। जितना साफ साफ स्क्रीन होगा उतना अच्छा डायग्राम दिखेगा। देखो तुम भी डायग्राम कोशिश करना कि अच्छा डायग्राम बनाए, मतलब एक तो गरीबी वाला डायग्राम नहीं होना चाहिए कि डायग्राम से ही गरीबी झलक रही, नहीं, डायग्राम ऐसा होना चाहिए कि लगे कि हाँ बनाया है किसी ने, किसी नवाब साहब ने बनाया है डायग्राम, ऐसा लगना चाहिए। टाइप्स ऑफ रेज में दूसरा टाइप का जो रे होगा वो ऐसा होगा। फिर से हमने एक कन्वर्जिंग लेंस ले लिया। अब अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था तो रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या कर रहा था, रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस पे पास होता था। इसी का उल्टा सोचो, उल्टा क्या होगा, अगर रेज फोकस से पास होके आए हैं, ऐसा रेज अगर फोकस से पास होके आएंगे तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है, अगर कोई रे फोकस से पास होता हुआ आ रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या होता है, रिफ्रैक्शन बाद ऐसा ही बना सकते हैं, रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ये कन्वर्जिंग लेंस के लिए। डाइवर्जिंग लेंस के लिए क्या याद रखेंगे, इस तरह से अगर कोई रे, मान लो यहां कहीं पे इसका फोकस है, अगर कोई रे ऐसा आ रहा है, अगर कोई रे ऐसा आ रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपने को दिखाना है। अगर रे ऐसा आ रहा है तो इसमें क्या बोलेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कैसा होगा, यहां पे तो एक्चुअल हो गया, डाइवर्ज कराना है, ऐसा होगा। हाँ ये और डाइवर्ज हो रहा है, मतलब ऐसा हो जाएगा। तो अगर रे इस पॉइंट से पास होता हुआ दिखता है ऐसा, तो रिफ्रैक्शन के बाद, नहीं नहीं रिफ्रैक्शन के बाद मुझे ड्रॉ करना है तो ऑपोजिट दिखाना है। ऑपोजिट दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, अगर ऐसा आता तो रिफ्रैक्शन में ऐसा चला, ऐसा दिखा दो बस, ये ऐसा, अगर ऐसा आ रहा है तो ये हो जाएगा, रिफ्रैक्शन में ऐसा चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बस ऑपोजिट कर देंगे। अगर रे फोकस की तरफ बढ़ रहा था, फोकस की तरफ अगर रे बढ़, देखो एक फोकस इधर होता है एक फोकस इधर भी होता है, प्राइमरी सेकेंडरी बोलते हैं, तो डिटेल में अपने को नहीं जानना। ये फोकस की तरफ अगर रे कोई बढ़ रहा है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। वैसे ही अगर कोई रे यहाँ पर, मान लो अभी ऐसा बनाया ना, ऐसा बना लेते हैं, अगर कोई रे जो होता वो फोकस की तरफ बढ़ रहा होता, ऐसा फोकस की तरफ ऐसा बढ़ रहा है तो इधर जाएगा ना, फोकस की तरफ ऐसा बढ़ रहा था, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता। बात समझ में आ रहा है। तो ये दो डायग्राम्स है जो आपको क्या करने हैं, बना लेने हैं। पहला वाले डायग्राम का जस्ट ऑपोजिट है, इस वाले केस में रियल फोकस होता है तो फोकस से पास होगा, उसमें कभी फोकस से पास नहीं हो पाता है, फोकस से पास नहीं हो पाएगा, उसमें क्या होगा, अगर वो अपियर हो रहा है कि फोकस से पास होता हुआ दिख रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होना है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाना है। ठीक है, ये मेरे पास हो गया सेकेंड टाइप का रे। थर्ड टाइप का रे क्या करते हैं, थर्ड टाइप का रे अपन ऐसा लेते हैं, डस्टर नहीं यूज करूंगा, डस्टर खराब कर देगा मेरे स्क्रीन को। जो थर्ड टाइप का रे हमें कंसिडर करना है ना, अगर रेज को डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया जाए, अगर रेज को डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया जाए ऐसा, तो वो अनडिविएटेड पास होता है, इस तरह से चला जाता है। बात समझ में आ रहा है, अगर रेज ऑप्टिकल सेंटर पे डायरेक्टली गिरेगा तो इस तरह से पास हो जाएगा। ऐसा ही कुछ यहां पे भी होगा, मतलब ऐसा है ना कि वो जब भी ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, वो क्या करता है, अनडिविएटेड मूव कर जाता है। तो यहां पे भी क्या होगा, अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कुछ है तो अनडिविएटेड चला जाएगा बिना कोई डिविएशन दिखाए। तो जब भी ऑप्टिकल सेंटर से रेज पास करेंगे तो अनडिविएटेड दिखा देंगे उस तरह के रेज को। बेसिकली ये तीन तरह के रेज हैं जो हम क्या करने वाले हैं,
इमेज फॉर्मेशन में यूज करने वाले हैं। अब ये सब मैंने कोई नई बात नहीं बताई है, ये सब तुमने पहले कभी भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इमेज फॉर्मेशन देखना स्टार्ट करेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन एक पैटर्न के जैसा देखना है। अपने को क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि अगर ये इमेज फॉर्मेशन के अलग अलग केसेस तुमको याद होंगे ना, तो तुमको न्यूमेरिकल में अंडरस्टैंडिंग होगी। जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो एरर के चांसेस, क्वेश्चन को गलत करने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसलिए केसेस, ये देखो मैंने पहले सोचा था कि मैं केसेस नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार केसेस बता देते हैं। केसेस बताने से क्या होगा, जब भी अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो तुमको एक रेफरेंस मिलेगा, तुमको एक आइडिया मिलेगा। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे किसके कारण, तो इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्वेक्स लेंसेज। हम क्या पढ़ने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्वेक्स लेंस। ये लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, यहां कहीं पे ऑप्टिकल सेंटर है। अब मान लो सबसे पहला केस देख रहे हैं, तुमको केसेस ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहला केस देख रहे हैं, जब मैंने ऑब्जेक्ट को क्या किया है, बहुत दूर रखा है मैंने ऑब्जेक्ट को। जब भी मुझे बहुत दूर दिखाना है, बहुत दूर के लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉटेड लाइंस। जब भी मुझे दिखाना है कि लेंस और मिरर के, लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में बहुत ज्यादा सेपरेशन है, तो वहां पे हम क्या यूज करने वाले हैं, डॉटेड लाइंस। तो मैंने बोला कि जो लेंस है उससे बहुत दूर में मेरा ऑब्जेक्ट रखा है, ए बी इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इसका इमेज फॉर्मेशन करना है। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी सन से रेज आते हैं, जब भी सन से रेज आते हैं, आप रेज को हमेशा पैरेलल दिखाते हो क्या, ऐसे, हाँ या ना। तुम जब डायग्राम वाइग्राम वो फाइव क्लास सेकंड क्लास में जब वो रेनबो शेनबो सब बनाते थे तो ऐसे ही बनाते थे क्या, उसमें क्या करते थे, जब भी फार, जब भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो सोर्स है वो बहुत दूर है ना, तो उसमें से जो भी रेज ऑफ लाइट आते हुए दिखाएंगे वो क्या करते हैं, हमेशा पैरेलल दिखाते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी, अब सिंस ये मिरर से बहुत ज़्यादा दूर है, सिंस ये मिरर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, जो भी रेज आएंगे, जो भी रेज हम दिखाएंगे वो क्या करेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दिखाने वाले हैं। अब रेज अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्रैक्शन होने के बाद वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करते हैं क्या। अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट जिसे वो पास करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फोकस। मतलब ये रेज ऐसे आ रहे थे, रिफ्रैक्शन हुआ और ये क्या हो गया, फोकस पे बेंड होके चले गए। तो ध्यान से अगर देखोगे, अच्छा फिर से, इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम कितने रेज चाहिए, तो कम से कम दो रेज होने चाहिए। अगर तुमको इमेज प्लॉट करना है ना, तो कम से कम आपके पास दो रेज होने चाहिए। तो मैंने दो रेज इस तरह से ले लिया है और दोनों रे मैंने क्या कर लिया है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया है, ठीक है। अच्छा, इस केस में मैंने क्या देखा, ये दोनों रेज जो है वो फोकस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या। अब अगर ये फोकस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। सबसे पहला हमने केस क्या देख रहे हैं, केस वन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी। हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को लेंस से इंफिनाइट सेपरेशन पे रखा है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी, उस केस का डायग्राम हम बनाने वाले थे, मतलब उस केस का डायग्राम हमने बनाया है। हमने क्या क्या देखा, सबसे पहला बात देखेंगे इमेज का फॉर्मेशन कहां पे हुआ है। तो इमेज जो फॉर्म हुआ, इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस। वो जो इमेज है, इमेज कहां पे फॉर्म होगा, इमेज फोकस पे फॉर्म होगा। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखोगे। अच्छा, दूसरा, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट के रे से इमेज फॉर्म हुआ है। जब भी एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट के रे से इमेज फॉर्म होगा तो वो जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, रियल होता है क्या। तो यहां पे सेकंड पॉइंट जो आप याद रखोगे वो क्या है, इमेज यहां पर जो है, इमेज इज रियल, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो अपने को याद रखना है,
अब नेक्स्ट जो यहाँ पे बताएंगे वो बताते हैं इसके मैग्निफिकेशन के बारे में। अब तुम देखोगे तो ऑब्जेक्ट जो था वो अच्छा खासा था, ए बी ऑब्जेक्ट अच्छा खासा था, लेकिन इसका जो इमेज बन रहा है वो पॉइंट साइज इमेज बन रहा है क्या? एग्जैक्टली, अगर वो फोकस पे कन्वर्ज हो रहा है तो जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो पॉइंट साइज इमेज फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब इमेज जो है, इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, ये जो इमेज फॉर्म हुआ है ये बहुत छोटा इमेज फॉर्म हो गया क्या? तो इमेज इज क्या बोलते हैं, इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड। अच्छा, एक और पॉइंट हमें लिखना होता है, एक और पॉइंट होता है इरेक्ट और इन्वर्टेड। अब इरेक्ट और इन्वर्टेड का मतलब क्या है? अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है और इसका इमेज भी ऐसा ही फॉर्म हो, ऑब्जेक्ट ऐसा और इमेज भी ऐसा ही फॉर्म हो तो इसको क्या बोलते हैं, इरेक्ट। ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज ऐसा फॉर्म हो तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। अब इस केस में बोलोगे सर इस केस में तो आपको हमें नहीं दिख रहा कि इरेक्ट इमेज फॉर्म हुआ है वह या इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ है, तो वो जानने के लिए क्या करते हैं, मान लो ये जो रेज है ना, वो जानने के लिए इरेक्ट इमेज फॉर्म हुआ या इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ, वो जानने के लिए ऐसा बोलते हैं कि मान लो ये जो लेंस है, अब रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, अगर दूर से आ रहे होंगे तो पैरेलल ही आ रहे होंगे, लेकिन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, मान लो आपस में ऐसे पैरेलल आ रहे हैं। अब फिर से अब ये क्या करेंगे, इस बार क्या करेंगे, ये फोकस से पास नहीं होंगे, ये क्या होते हैं, फोकल प्लेन से पास होते हैं। फोकल प्लेन क्या होता है सर? तो जहां पर भी फोकस था ना, जहां पर भी फोकस था वहां पर एक प्लेन बना दो, ऐसे एक रेक्टेंगुलर प्लेन बना दो, तो तुम देखोगे ये क्या कर रहे हैं ना, फोकल प्लेन के जस्ट नीचे वाले पॉइंट से पास हो रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर ऐसे रेज अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होते, आपस में भी पैरेलल होते और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होते तो रेज क्या करते हैं, फोकस से पास होते हैं। लेकिन अगर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, जैसे इस केस में ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, लेकिन जब आपस में पैरेलल मतलब कहां से आ रहे हैं, इन्फिनिटी से ही आ रहे होंगे, तो इन्फिनिटी से रेज अगर ऐसे कुछ एंगल पे आते हैं तो इनके कारण जो इमेज फॉर्म होता है वो क्या होता है, ऐसे इन्वर्ट इमेज फॉर्म हो गया। मतलब देखो, बी नीचे आ गया और ए ऊपर आ गया, तो ऑब्जेक्ट ऐसा था, इसका इमेज उल्टा हो गया क्या? तो इमेज कैसा बना है, इन्वर्टेड इमेज बना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। सर मेरे को नहीं समझ में आया, ये सारे केसेस तुमको याद रखने हैं भाई, ये सारे केसेस अपने को क्या करने हैं, याद रखने हैं। ये जो डॉटेड लाइन से मैंने यहाँ पे दिखाया है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं फोकल प्लेन। फोकल प्लेन मतलब जहां पे भी तुम्हारा फोकस था वहां से एक प्लेन ऐसे पास करा दो, उसको क्या बोलेंगे, फोकल प्लेन। तो अगर रेज, ये तुम चाहो तो नोट करके भी लिख सकते हो, अगर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, रेज अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो कन्वर्ज करने के बाद फोकस से पास करेंगे, लेकिन अगर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है और वो कहीं दूर इन्फिनिटी से आ रहे हैं तो वो कन्वर्ज करने के बाद फोकल प्लेन से पास करेंगे, या ऐसा समझ लो कि फोकस के जस्ट नीचे से पास करेंगे। तो अपने को याद क्या क्या रखना है, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, जब भी ऑब्जेक्ट लेंस से इन्फिनाइट सेपरेशन पे रखा हुआ है, तो उसका इमेज कहां पे फॉर्म होगा, उसका इमेज फॉर्म होगा फोकस पर। ठीक है, उसका इमेज फॉर्म हुआ फोकस पर, ये पहला पॉइंट याद रखना है। इमेज जो है वो रियल है क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट से फॉर्म हो रहा है, और इमेज जो होना है वो क्या होना है, इन्वर्टेड होना है। लास्ट पॉइंट याद क्या रखोगे, इमेज जो फॉर्म होगा वो हाईली डिमिनिश्ड होने वाला है। अब इसे आगे देखते हैं। अभी ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया था, लेंस से बहुत दूर रखा था क्या, अब ऑब्जेक्ट को पास लाना स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को पास लाना स्टार्ट करूं तो पास में कहां ला सकते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहां कहीं पर फोकस होता, यहां कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक और रिलेशन याद रखना कि ये जो फोकल लेंथ है ना, जैसे ये जो डायग्राम था, इसमें यहां कहीं भी एक फोकस होता गया, इसको फोकल लेंथ बोल रहे हैं, और यहां कहीं पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर आर बोलते हैं। ठीक है, अब याद रखना कि ये जो फोकल लेंथ और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसमें एक रिलेशन चलता है, क्या, फोकल लेंथ का 2 टाइम्स जो होगा वो आर के इक्वल है, ये रिलेशन हमको याद रखना है। कैपिटल एफ लिख रहा हूं तो वो फोकस है, स्मॉल एफ लिख रहा हूं तो वो फोकल लेंथ है, तो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होता है, ये अपने को याद रखना है। डायग्राम में भी ये सब बातें क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो अब नेक्स्ट पोजीशन क्या हो सकता है इमेज ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का नेक्स्ट पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रख सकते हैं क्या? तो हम क्या करेंगे, केस टू देखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ रहा है क्या? पहला केस हमने क्या देखा, जब मैंने ऑब्जेक्ट को लेंस से बहुत दूर रख दिया था,
सेकेंड केस के बारे में अगर मैं बात करूं तो सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस मतलब सेकेंड पोजिशन, ऑब्जेक्ट का सेकेंड पोजिशन होने वाला है। अलग अलग डायग्राम बनाना, ऐसा नहीं कि एक ही डायग्राम में सब बना दिए, एक डायग्राम में सब बना दोगे पढ़ने बैठोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। ये व्हाइट बोर्ड रब करना बहुत मुश्किल काम है, वन ऑफ द डिफिकल्टेस्ट काम इन द वर्ल्ड इज टू रब द व्हाइट बोर्ड। क्या बोल रहे हैं भाई, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से ये लेंस बना दिया, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, एक फोकस यहां पर, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर, उसी तरह एक फोकस यहां पर, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर, दोनों साइड सर्कल है तो दोनों साइड फोकस, दोनों साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां कहीं पे। फिर से मान लो ए बी ऑब्जेक्ट है जो हमने इस तरह से रखा है, अब किसका इमेज बना रहे हैं, सिर्फ टिप का, किसका, मैं रेड डॉट से दिखा रहा हूं, ये जो टिप है ना यहां पर, ये मैंने रेड डॉट से दिखाया है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आपको, सिर्फ मुझे इसका इमेज बनाना है, सिर्फ टिप का, मैं पूरा पूरा यहां पे क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है, मैं सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वो जो पॉइंट बी है ना मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। अब पॉइंट बी का मुझे इमेज बनाना है, इमेज बनाने के लिए मुझे कम से कम, देखो मैक्सिमम तुम कितने रेज भी ले सकते हो, मैक्सिमम तुम जितना मर्जी उतना रेज ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम आपको दो रे तो लेना ही पड़ेगा। अब मैक्सिमम, अब मिनिमम तो ही क्यों काम चलाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा रेज ले लोगे डायग्राम उतना ही कॉम्प्लिकेटेड दिखना स्टार्ट हो जाता है। पहला रे भेज देते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पहला जो रे है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। दूसरा रे हम क्या करते हैं, सीधा ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं, कोई भी रे अगर ऑप्टिकल, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट, देखो पेन वेन मत यूज करना, स्केल स्केल मत यूज करना, हाथ से बनाओगे सही बनेगा। अगर मैं दूसरा जो रे है उसको ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दूं, दूसरा जो रे है उसको ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दूं, तो ये दोनों रे जो है वो यहां कहीं पे इंटरसेक्ट हो गया क्या, इसका मतलब पॉइंट बी का इमेज, पॉइंट बी का इमेज बी डैश यहां पे फॉर्म हो गया। उसी तरह अलग अलग पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर मैं यहां पे लेता जाता तो ये जो इमेज है वो इमेज इस तरह से फॉर्म होता जाता गया, हां या ना, बात समझ में आ रहा है। तो मेरे पास क्या हो गया, ए डैश बी डैश इमेज फॉर्म हो गया है जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा था। डायग्राम बहुत जरूरी है, डायग्राम तुमको अच्छे से बनाना है, जब तक तुम डायग्राम अच्छे से नहीं बनाओगे आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि क्या लिखा है आपने। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या याद रखें, पहले इमेज कहां पे फॉर्म हुआ, तो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में फॉर्म हुआ क्या, या एफ एंड सी भी बोल सकते हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्म होगा। दूसरा, रियल है क्या, हाँ सर रियल है, एक्चुअल इंटरसेक्शन से फॉर्म हुआ है, तो यहां पे क्या हो गया, रियल। इन्वर्टेड है क्या, हाँ सर इन्वर्टेड, उल्टा हो गया, तो रियल एंड इन्वर्टेड, आई एन वी ई आर टी ई डी, रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट में अगर मैं बात करूं, मैग्निफाइड है मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया या ऑब्जेक्ट से छोटा हो गया, ऑब्जेक्ट से छोटा दिख रहा है क्या, बहुत छोटा हो गया क्या, पॉइंट साइज हो गया क्या, नहीं सिर्फ पॉइंट साइज तो नहीं हुआ है, सिर्फ छोटा हुआ है, तो क्या लिख देंगे, डिमिनिश्ड, डी आई एम आई एन आई एस एच ई डी, डिमिनिश्ड। बात समझ में आ रहा है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें क्या करना है, याद रखना है। ऑब्जेक्ट को अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखने पर क्या होगा, सी और एफ के बीच में फॉर्म होगा, रियल इन्वर्टेड होगा, डिमिनिश होगा। ये मेरे पास सेकेंड केस हो गया। थर्ड केस देखते हैं, थर्ड केस के बारे में अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर रहे हैं आगे की तरफ, ऑब्जेक्ट जो है उसको क्या कर रहे हैं, लेंस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो नेक्स्ट पोजिशन क्या होगा, नेक्स्ट पोजिशन में अपन क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे। जो नेक्स्ट पोजिशन होगा उसमें क्या करने वाले हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट
एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। When the object is kept at center of curvature, object को कहाँ रखने वाले हैं? Center of curvature पे रख के देखते हैं भाई क्या होगा। माइक क्यों गिर रहा है? फिर से डायग्राम बना लो अपना, तुमको रिपीटेशन लगने लगेगा। सर ये तो आता ही है, सर क्यों बता रहे हो? ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है? तो ए बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने क्या रखा है, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। फिर से इमेज फॉर्मेशन के लिए मुझे दो रे लेने पड़ेंगे। पहला रे अपन ले लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रेज अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होते हैं और उस पर्टिकुलर पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, फोकस। फिर दूसरा टाइप का रे के बारे में अगर मैं बात करूं तो कभी भी रे अगर डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर पे गिरते हैं, तो रे अगर ऑप्टिकल सेंटर पे गिरता है तो वो क्या होता है, अनडिविएटेड पास हो जाता है। ठीक है, कभी भी अगर ऑप्टिकल सेंटर पे गिरेगा तो वो अनडिविएटेड पास हो जाएगा। अब यहां पर अगर आप इसको ज्वाइन करोगे ऐसे, तो यहां कहीं भी इमेज फॉर्म हो गया क्या? ठीक है, हाँ या ना? तो इस केस में अगर आप देखोगे तो मैंने ऑब्जेक्ट को क्या रखा है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है। इमेज कहां पे फॉर्म हुआ? इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही फॉर्म हो रहा है क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहीं पे इमेज फॉर्म होने वाला है। दूसरा, रियल एंड इन्वर्टेड अभी भी है ना, रियल एंड इन्वर्टेड अभी भी कैसा है, इमेज रियल है और इन्वर्टेड भी है। तीसरा पॉइंट जो याद रखोगे, तीसरा पॉइंट जो याद रखोगे वो क्या है, अभी जो इमेज फॉर्म हुआ है, देखो ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट एक जैसा लग रहा है क्या? तो यहां पे क्या लिखेंगे, सेम हाइट एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना? तो ये कुछ पॉइंट्स है जो अपने को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, और भी केसेस है इसमें वो भी देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक पॉज लेने के बाद। पहले इमेज कहां पे फॉर्म हुआ? तो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में फॉर्म हुआ क्या? या एफ एंड सी भी बोल सकते हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्म होगा। दूसरा, रियल है क्या? हाँ सर रियल है, एक्चुअल इंटरसेक्शन से फॉर्म हुआ है। तो यहां पे क्या हो गया, रियल। इन्वर्टेड है क्या? हाँ सर इन्वर्टेड, उल्टा हो गया। तो रियल एंड इन्वर्टेड, आई एन वी ई आर टी ई डी, रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट में अगर मैं बात करूं, मैग्निफाइड है मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया या ऑब्जेक्ट से छोटा हो गया। ऑब्जेक्ट से छोटा दिख रहा है क्या? बहुत छोटा हो गया क्या? पॉइंट साइज हो गया क्या? नहीं सर, पॉइंट साइज तो नहीं हुआ है, सिर्फ छोटा हुआ है। तो क्या लिख देंगे, डिमिनिश्ड, डी आई एम आई एन आई एस एच ई डी, डिमिनिश्ड। बात समझ में आ रहा है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें क्या करना है, याद रखना है। ऑब्जेक्ट को अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखने पर क्या होगा, सी और एफ के बीच में फॉर्म होगा, रियल इन्वर्टेड होगा, डिमिनिश्ड होगा। ये मेरे पास सेकेंड केस हो गया। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस के बारे में अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर रहे हैं आगे की तरफ। ऑब्जेक्ट जो है उसको क्या कर रहे हैं, लेंस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं ना। तो नेक्स्ट पोजीशन क्या होगा, नेक्स्ट पोजीशन में अपन क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे। जो नेक्स्ट पोजीशन होगा उसमें क्या करने वाले हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। When the object is kept at center of curvature, object को कहाँ रखने वाले हैं, center of curvature पे रख के देखते हैं भाई क्या होगा। माइक क्यों गिर रहा है? फिर से डायग्राम बना लो
अपना तुमको रिपीटेशन लगने लगेगा, सर ये तो आता ही है सर, क्यों बता रहे हो? ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है? तो ए बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने क्या रखा है, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। फिर से इमेज फॉर्मेशन के लिए मुझे दो रे लेने पड़ेंगे। पहला रे अपन ले लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रेज अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होते हैं और उस पर्टिकुलर पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, फोकस। फिर दूसरा टाइप का रे के बारे में अगर मैं बात करूं तो कभी भी रे अगर डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर पे गिरते हैं, तो रे अगर ऑप्टिकल सेंटर पे गिरता है तो वो क्या होता है, अनडिविएटेड पास हो जाता है। ठीक है, कभी भी अगर ऑप्टिकल सेंटर पे गिरेगा तो वो अनडिविएटेड पास हो जाएगा। अब यहां पर अगर आप इसको ज्वाइन करोगे ऐसे, तो यहां कहीं पे इमेज फॉर्म हो गया क्या? ठीक है, हाँ या ना? तो इस केस में अगर आप देखोगे तो मैंने ऑब्जेक्ट को क्या रखा है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है। इमेज कहां पे फॉर्म हुआ? इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही फॉर्म हो रहा है क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहीं पे इमेज फॉर्म होने वाला है। दूसरा, रियल एंड इन्वर्टेड अभी भी है ना, रियल एंड इन्वर्टेड अभी भी कैसा है, इमेज रियल है और इन्वर्टेड भी है। तीसरा पॉइंट जो याद रखोगे, तीसरा पॉइंट जो याद रखोगे वो क्या है, अभी जो इमेज फॉर्म हुआ है, देखो ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट एक जैसा लग रहा है क्या? तो यहां पे क्या लिखेंगे, सेम हाइट एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना? तो ये कुछ पॉइंट्स है जो अपने को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, और भी केसेस है इसमें वो भी देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक पॉज लेने के बाद आगे देखना स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, तीन केसेस देख लिए। अच्छा, ट्रेंड देखो कैसा चल रहा है, ट्रेंड ट्रेंड कैसा चल रहा है। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से रखना स्टार्ट किया था, तो पहली बार इसका इमेज फॉर्म हुआ था फोकस पे, हाँ या ना? और जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को लेंस के पास ला रहा हूँ, इमेज जो है वो दूर जाता जा रहा है। क्यों? जब इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बना, ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो यहाँ कहीं पे मेरा फोकस होता, यहाँ कहीं पे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या था, एफ और सी के बीच में बन रहा था। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ और सी के बीच में बन रहा था। एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनाया गया। तो ये ऑब्जेक्ट को जब पास ला रहे हैं लेंस के, तो उसका जो इमेज है वो दूर भागता जा रहा है क्या, हाँ या ना? अच्छा, और एक चीज, एक और ट्रेंड क्या नोटिस कर सकते हो आप, जब भी मैं मिरर, सॉरी, जब भी मैं लेंस के पास आ रहा हूँ, ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के पास आ रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या था, पहले एकदम ही डिमिनिश था, एकदम पॉइंट साइज था, फिर क्या हुआ, फिर डिमिनिश हुआ, फिर सेम हाइट का हो गया क्या? तो ट्रेंड के हिसाब से जो नेक्स्ट केस होना चाहिए उसके हिसाब से मैग्निफाइड हो जाना चाहिए क्या? क्योंकि सेम हाइट तो अटेन कर लिया मैंने, जितने हाइट का ऑब्जेक्ट था उतने हाइट का इमेज आ गया है। सेम हाइट अगर मैंने अटेन कर लिया है तो अब जो नेक्स्ट डायग्राम होना चाहिए उसके हिसाब से मैग्निफाइड हो जाना चाहिए। और अभी भी लेंस से इमेज जो है, इमेज को क्या करना है, दूरी जाना है क्या? तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट केस देखते हैं। तो नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं। ध्यान से देखना, ये इस तरह से ट्रेंड बना के याद रखोगे तो बहुत ही आसान रहेगा याद रखना, नहीं तो लगे रहते हैं लोग याद करने के लिए इसको। तो हमने क्या बोला, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखने वाले हैं, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखूं, ये मान लो फोकस है यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मैंने ऑब्जेक्ट ए बी को ऐसा रख दिया, ठीक है, फिर जितने डिस्टेंस पे यहाँ पे उतने डिस्टेंस पे यहाँ पे, तो यहाँ कहीं पे फोकस और यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से दो रे लेने, पहला रे, और किसका इमेज बना रहे हैं, सिर्फ ये टिप का, सिर्फ ये टिप बी का इमेज बना रहे हैं, बाकी पूरे ऑब्जेक्ट का नहीं, बाकी पूरे ऑब्जेक्ट का अपने आप बन जाएगा। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेजा है, अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो रिफ्रैक्शन के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करता है, रिफ्रैक्शन के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, और
जो रे डायरेक्टली हमारा ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है वो अनडिविएटेड पास होने वाला है। अभी अगर अनडिविएटेड पास होने वाला है तो आप क्या देखोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बन रहा है क्या? हाँ या ना? इसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बन रहा है तो हमें क्या क्या नोटिस करना है, क्या क्या लिखना है यहाँ पर? सबसे पहले तो इमेज का फॉर्मेशन, तो इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड में इमेज फॉर्म होगा। अच्छा डॉटेड नहीं दिखाएंगे, ऐसे सॉलिड दिखाएंगे। डॉटेड क्यों नहीं दिखा रहे वो भी बता दूंगा मैं। फिर इमेज जो है वो अभी भी रियल है और अभी भी इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। जो इमेज बन रहा है वो अभी भी रियल है और अभी भी क्या है, इन्वर्टेड है। और लास्ट में अगर मैं बोलूँ तो जो इमेज है वो अब क्या हो गया है, मैग्नीफाइड हो गया है। क्यों? क्योंकि अगर देखोगे तो हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इमेज क्या हो गया, मैग्नीफाइड हो गया। अब देखो याद कैसे रखेंगे, जब ऑब्जेक्ट, सेकेंड वाला केस याद रखो, जब ऑब्जेक्ट जो था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड था तो उसका जो इमेज बना था वो एफ और सी के बीच में बना था और ऑब्जेक्ट के हाइट से छोटा इमेज का हाइट था, था या नहीं? केस टू। केस फोर, केस फोर अगर देखोगे तो मैंने ऑब्जेक्ट और इमेज के पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया गया। अब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है और इसका जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड फॉर्म हो रहा है ऐसा। अच्छा फिर से नेचर के बारे में अगर देखोगे तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उससे बड़ा हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है क्या, इस बार मैग्नीफाइड हो जा रहा है। तो जैसा केस टू था उसका जस्ट ऑपोजिट केस फोर है क्या? केस टू में जो था उसका जस्ट ऑपोजिट केस फोर में हो गया, बस वो सेम क्या रहने वाला है, रियल एंड इन्वर्टेड। वहां पे भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ था, यहाँ पे भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा। वहां पे ऑब्जेक्ट जो था वो बियॉन्ड सी था तो इमेज सेंटर, मतलब केस टू में क्या था, केस टू में ऑब्जेक्ट यहां पर था, ऑब्जेक्ट यहां पे था, इमेज यहां कहीं पे फॉर्म हुआ था। केस फोर में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट यहां कहीं पे है, इमेज बियॉन्ड सी फॉर्म हो रहा है, उसके इसमें डिमिनिश था, यहां पे क्या हो गया, मैग्नीफाइड हो गया। तो केस फोर समझ में आया क्या, ये कौन सा केस था, केस फोर। नेक्स्ट केस देखते हैं, ये हमारे पास था केस फोर। नेक्स्ट केस के बारे में अगर मैं बात करूं तो अब सी और एफ के बीच में रख दिया, अब कहां पर रखेंगे, एग्जैक्टली फोकस पर रखेंगे क्या? तो अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं एग्जैक्टली फोकस पर, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको फोकस पर रखेंगे। किस तरह का इमेज फॉर्म होगा वो देखते हैं। ये सब ना तुमने अपने स्कूल में ही पढ़ रखा होगा भाई, स्कूल वाले पढ़ाते हैं ये सब, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं स्कूल वाले, डायग्राम बना बना के पढ़ाते हैं। ये डायग्राम वाइग्राम जैसे स्कूल वाले सिखा रहे वैसे याद रख लेना, लेकिन साइन कन्वेंशन जैसा मैं सिखा रहा हूँ वैसा याद रखना। स्कूल वाले आधा अधूरा ज्ञान देंगे भाई, स्कूल वाले आधा अधूरा ज्ञान देंगे, उससे एक प्रॉब्लम नहीं तुम कॉम्पिटिशन वाला सॉल्व कर पाओगे। इसलिए मैं साइन कन्वेंशन जो मैंने बताया है वो याद रखना है। केस फाइव में ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं फोकस पे। तो when object is kept at focus, जो भी ऑब्जेक्ट था उसको कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। अगर इस तरह से, ठीक है, फिर से ये F, यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये F, यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मान लो A, B हमारा ऑब्जेक्ट है। अब फिर से मेरे को दो रे लेने पड़ेंगे, किसका इमेज बना रहे हैं, तो सिर्फ ये जो टिप है, सबका इमेज नहीं बना रहे भाई, टिप का बनाएंगे तो बाकी आप खुद ब खुद बनने वाला है, जो बाकी जो भी पॉइंट होंगे उसका इमेजेस खुद से खुद बन जाएगा। फिर से दो रेज लेने पड़ेंगे अपने को। अब दो रेज कौन कौन से ले रहे हैं, पहला रे लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास हो जाएगा। दूसरा रे अपने को लेना है जो डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर पे पास हुआ है। अब अगर ये रे डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ तो इस तरह से चला जाएगा क्या? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों रे आपस में पैरेलल हो गए और ये पैरेलल रेज की टेंडेंसी कहाँ पे मिलने की होती है, इन्फिनिटी पे मिलने की होती है क्या? दो पैरेलल रेज जो होते हैं, ऐसा बोलते हैं ना कि दो पैरेलल रेज विल इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी, ऐसा तुमने पैरेलल लाइन के डेफिनेशन में पढ़ा होगा।
तो अगर ये पैरेलल रेज है और ये कहां पे मिलेंगे, इन्फिनिटी पे मिलेंगे, इसका मतलब इमेज कहां पे फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा क्या? तो फिर से यहां पे क्या लिखने वाले हैं, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी का मतलब क्या समझेंगे सर? इन्फिनिटी का मतलब लेंस से बहुत दूर, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब क्या समझेंगे, लेंस से बहुत दूर। फिर से इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो याद रखेंगे, अभी भी क्या होगा, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे होने वाला है, तो यहां पे क्या होगा, रियल इमेज होगा और क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड भी रहेगा। इन्वर्टेड कैसे रहेगा, देखो पॉइंट, मान लो इमेज यहां कहीं पे फॉर्म होता, तो पॉइंट बी का इमेज यहां पे हुआ है, मतलब पॉइंट ए का इमेज यहां कहीं पे फॉर्म होता क्या? ऐसा इमेज फॉर्म होता ना, अगर फॉर्म हुआ होता तो। ये मेरे पास क्या हो गया, ये पॉइंट है ए डैश और ये पॉइंट है बी डैश, इस तरह का इमेज फॉर्म होता। फिर से रियल एंड इन्वर्टेड है। और तीसरा, तीसरा जो पॉइंट है, हाईली मैग्निफाइड हो गया क्या, ये जो इमेज फॉर्म हुआ है वो क्या हो गया है, हाईली मैग्निफाइड हो गया है, बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन आ गया क्या इसमें। देख लो ऑब्जेक्ट उतना था, इसका इमेज अच्छा खासा बड़ा बन गया है। अब ये केस फर्स्ट वाले केस का जस्ट ऑपोजिट है क्या? देखो फर्स्ट वाले केस में ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते थे, ऑब्जेक्ट को रखते थे इन्फिनाइट पे, इन्फिनिटी सेपरेशन पे, तो इसका इमेज फोकस पे बना था और हाईली डिमिनिश बना था ना। इस वाले केस में देखो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस पे और इसका जो इमेज बन रहा है वो कहां पे बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है और ये हाईली मैग्निफाइड हो गया क्या? बस सेम क्या रहेगा, केस वन में भी रियल एंड इन्वर्टेड था और केस फाइव में भी क्या होने वाला है, रियल एंड इन्वर्टेड होने वाला है। तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने अलग अलग केसेस देख लिए। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहां पे रख सकता हूं, फोकस तक आ गए भाई। अब जो लास्ट केस होगा वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा क्या? तो हम क्या करने वाले हैं, लास्ट केस पढ़ने वाले हैं कॉनवेक्स लेंस का, जिसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट इज केप्ट, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब ये जो लास्ट केस है ना, ये लास्ट केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, जितने भी केसेस मैंने तुमको अभी तक मेंशन कराए हैं उसमें से ये लास्ट केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी अगर रे डायग्राम बनाने को बोलते हैं एग्जाम में तो लास्ट केस ही पूछा गया है, मेजरली वो लास्ट केस ही पूछते हैं, इससे पहले वाले केसेस नहीं पूछते। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड फोकस, ठीक है। ये कौन सा केस है, केस सिक्स। लेंस बना दिया, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहां कहीं पे फोकस, ठीक है। ऑब्जेक्ट को क्या करना है, ऑब्जेक्ट ए बी, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या रख दिया है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बना रख रहे हैं। अच्छा फिर से सिर्फ इसका जो टिप है उसका इमेज बनाने वाले हैं, इसके टिप का इमेज बनाएंगे, बाकी आप बाकी जो होगा वो खुद से खुद बन जाएगा। रे बनाने, इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो रेज कंसिडर करने पड़ेंगे। पहला रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रेज अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास हो जाएगा, पहला रे हो गया। दूसरा रे कैसा लेंगे, दूसरा रे ऐसा होगा जो डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा हो, ऐसा कुछ। अब तुम ध्यान से देखो, ये रे और ये रे, ये लोग डाइवर्ज होते जा रहे हैं क्या? ये दोनों रे हैं जो फोकस से पास हो रहा है और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, ये दोनों डाइवर्ज होते जा रहे हैं, कभी मिल पाएंगे क्या? नहीं सर, ये तो कभी नहीं मिल पाएंगे। तो अगर ये कभी नहीं मिल पाएंगे तो इनके कारण कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा क्या? नहीं होगा। मान लो ऑब्जर्वर जो है वो यहां कहीं पे है, ठीक है, जो ऑब्जर्वर है वो यहां कहीं पे है, इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, ये दोनों रेज जो है, इस ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये दोनों रेज जो है वो पीछे किसी पॉइंट से आ रहे हैं क्या, यहां के ही पॉइंट से आ रहे हैं, तो इसको ऐसा लगेगा कि इस वाले पॉइंट का एक वर्चुअल इमेज, मतलब इस वाले पॉइंट का एक, अब वर्चुअल इमेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज से इमेज फॉर्म होता था, जब एक्चुअली रेज इंटरसेक्ट करते थे और इमेज फॉर्म करते थे तो वहां पे उसको क्या बोलते थे, रियल। यहां पे क्या हो रहा है, रियल में कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, हम क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहे हैं,
या ऐसा बोलो कि जो भी ऑब्जर्वर यहां पर होता उसको ऐसा लग रहा है कि रेज इस वाले पॉइंट से आए होंगे। इसका मतलब ये जो पॉइंट बी था उसका वर्चुअल इमेज यहां पे फॉर्म हो गया क्या? वैसे ही पूरा 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 सबका इमेज फॉर्म हो जाएगा। अब जब भी वर्चुअल इमेज दिखाओगे तो आपको क्या करना है? डॉटेड लाइन यूज करना है। आप जब भी रियल इमेज दिखा रहे थे तो सॉलिड लाइन यूज कर रहे थे क्या? जब भी वर्चुअल इमेज आपको दिखाना है तो आप क्या करोगे? डॉटेड लाइंस इस तरह से यूज करोगे। बात समझ में आ रहा है? अभी ध्यान से देखो कि हमारे पास क्या है, जो भी हमारे पास पॉइंट है, इमेज कहां पे फॉर्म्ड हुआ है? तो इमेज फॉर्म होगा, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। ये जो इमेज है वो सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट में फॉर्म हुआ है, पहला पॉइंट अपने को ये याद रखना है। दूसरा, इस बार जो इमेज है वो रियल है क्या? नहीं सर, इस बार जो इमेज है वो क्या है? वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों है? क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हुआ था, एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हुआ था तो हमने इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया। अच्छा, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? इस बार देखो ऑब्जेक्ट भी ऐसा, इमेज भी ऐसा ही है क्या? तो इस बार क्या है? इरेक्ट इमेज है क्या? तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसकी प्रॉपर्टी हमने जो सेकंड लिखी वो क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और लास्ट पॉइंट इसका जो लिखेंगे, लास्ट पॉइंट क्या है? मैग्नीफाइड है क्या? हाईली तो नहीं है लेकिन मैग्नीफाइड दिख रहा है भाई। तो ये तीन पॉइंट है जो हमें क्या करना है? याद रखना है। अब तुम एज अ ट्रेंड याद रखोगे तो बहुत ही आसान है। वो जो स्टार्टिंग के पांच केसेस है वो एक जैसे ही है, सिर्फ लास्ट वाला केस अलग हो जाता है। लास्ट वाला केस में क्या होता है? वर्चुअल इमेज फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। वर्चुअल इमेज को डॉटेड लाइन से दिखाना है। वर्चुअल इमेज है रियल भी, सॉरी वर्चुअल इमेज होगा, इरेक्ट होगा और मैग्नीफाइड होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने कॉन्वेक्स लेंस के पांच केसेस देख लिए। अब जैसा कॉन्वेक्स लेंस के पांच केसेस हैं वैसे ही कॉन्केव लेंसेज के भी होंगे, पांच नहीं होते, उसके दो केसेस होते हैं, तो वह नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे, आज देखना सही नहीं रहेगा। ये हो गया। अच्छा, इसमें कुछ बातें, जब जितने भी रियल इमेजेस है ना, रियल इमेजेस को तुम स्क्रीन में कास्ट कर सकते हो। स्क्रीन मतलब तुम स्क्रीन में उसको बना सकते हो, मतलब उसका इमेज तुम स्क्रीन में बना सकते हो, मतलब वो जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो स्क्रीन में तुम उसको देख पाओगे। लेकिन जो वर्चुअल इमेज होते हैं, वर्चुअल इमेज को कभी भी स्क्रीन में कास्ट नहीं किया जा सकता। मतलब ये जो इमेज है ना, इसको तुम स्क्रीन में कास्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे अगर तुम एक व्हाइट बोर्ड लगा देते ना तो तुमको यहाँ पे कुछ नहीं दिखता। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इतना ही कुछ रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे, अभी बहुत कुछ बताना है इसमें तो।